हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है वाडा और नाडा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा की फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आप जानते हैं कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग एक ऐसा पदार्थ है जो आपकी ताकत को बढ़ाकर किसी भी खिलाड़ी का स्टैमिना इंक्रीज कर देता है। डोपिंग से होता क्या है? इसके इस्तेमाल से आप अधिक पावरफुल तरीके से खेल को खेलते हैं। कोई भी प्लेयर इसे लिक्विड फॉर्म में या फिर किसी पाउडर की तरह इसको यूज कर सकता है। इसे वो खाने में भी यूज कर सकता है और इसे पीने वाली चीजों में मिलाकर भी पी सकता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में ड्रग्स के चलन को रोकने के लिए बनाई गई थी वाडा। अब जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। 1998 में साइकिलिंग की दुनिया को हिला देने वाले एक बड़े डोपिंग स्कैंडल के बाद 1999 में वाडा की फॉर्मेशन की गई। फरवरी 99 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में खेल में डोपिंग पर पहला विश्व सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें डोपिंग के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी पार्टीज को बुलाया गया था। अब इसके बेसिक पॉइंट की तरफ नजर डालते हैं। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 10 नवंबर 1999 में। इसका हेडक्वार्टर्स है मॉन्ट्रियल, क्वेबिक, कनाडा में। प्रेसिडेंट है इसका विटोल बैंके एंड पर्पस है इसका एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। अब हम इसके एम के बारे में जान लेते हैं। इसका एम क्या है? साइंटिफिक रिसर्च करना, एजुकेशन डेवलपमेंट करना एंटी डोपिंग के खिलाफ और मॉनिटरिंग करना वर्ल्ड में एंटी डोपिंग के खिलाफ। सो इसी की जो पॉलिसीज है वो पूरे वर्ल्ड में और ऑल स्पोर्ट्स सेंटर्स में लागू की जाती है। अब बात करते हैं इसके विजन के बारे में। इसका विजन है एक ऐसी दुनिया जहाँ सभी एथलीट डोपिंग मुक्त खेल वातावरण में भाग ले सके। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको वाडा और नाडा के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।